रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं, रोहित शर्मा का हर टॉस वो दूर थ्रो किया गया, तो ये एक बड़ी वेयर स्टेटमेंट चीज है जो कि वीडियो एविडेंस के साथ मौजूद है। हाँ, ये तो मेरा ख्याल है आईसीसी को इस पे जरूर इंटरवीन करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको यार, मैच रेफरी खड़ा हुआ है, कप्तान देख रहे हैं, टीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो वहां पे स्पॉन्सर पे सिक्का गिराना कोई जरूरी नहीं है, जहां मर्जी गिराओ भाई, आप पीछे भी गिरा सकते हो, आपको पता है ना। क्या बात, ये बात है, ये टॉस है जी जिसकी वजह से इंडिया जीत गया। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का सोच के ना हंसते हैं, मतलब उनके चेहरे पे आता है यार पाकिस्तान आज भी ये बातें सोच रहे हैं, आज भी वहीं पे ही खड़े हैं। जो जिस मीडिया ने ये रिपोर्ट लीक की है, जैसे उनको पता चला, उनके मुतालिक इंक्वायरी होनी चाहिए और केस होना चाहिए। आप जो करना है कर लो, आप जो मर्जी इल्जाम लगा लो, हारी हुई मेंटेलिटी वाले जो होते हैं ना वो फिर इश्यूज उठाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय हिंद दोस्तों, 2023 वर्ल्ड कप में भारत ने जिस तरह शानदार खेल दिखाया उसके बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया रो रो के बुरा हाल है। दोस्तों हमेशा भारत से कंपेयर करने वाला पाकिस्तान मीडिया, साथ ही साथ हमेशा भारत से बेहतर बोलने वाला पाकिस्तान आज भारत की शानदार जीत पर पूरी तरह पागल हो चुकी है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भारत के गेंदबाजों को दूसरा बॉल देने का इल्जाम लगा रहा है, कभी रोहित शर्मा को टॉस के वक्त चीटिंग करने का आरोप लगाती है। दोस्तों इस तरह के लोग सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेगा। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा ये सवाल है कि अगर कैमराज हैं तो कभी कोई क्लोजअप हम आवाम को ही नहीं दिखाया, या कभी कैप्टन जो खड़े हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना दूर होता है कि आप नहीं देख सकते। नहीं, मैच रेफरी जाके बताता है कि कभी नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर पास गिरा तो फिर वो एक, और अगर ये सोचते हैं कि ये कभी हुआ नहीं क्रिकेट में, इतने भी खुश फैम नहीं है, सब कुछ होता है, बट ठीक है, मर्जी है। मैंने तो लास्ट टाइम बाबर की दफा भी कहा था कि ये कौन सा टॉस है, और कल भी कहा कि क्यों ऐसे करते हैं। हमने तो मैच से पहले रीजन जी के पास, मैच से पहले कहा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, वही हुआ, वैसे ही किया। सारी दुनिया ऐसे फ्लिप कर दी है, ऐसे कुछ उड़ दे। अभी तो मेरे पास एक पूरे इस वर्ल्ड कप के स्टैट्स आए हैं और वीडियोस के साथ आए हैं कि बाकी तमाम कैप्टन ने हर मैच में बिल्कुल पास थ्रो किया है। हाँ, और रोहित शर्मा का हर टॉस वो दूर थ्रो किया गया, तो ये एक बड़ी वेयर स्टेटमेंट चीज है जो कि वीडियो एविडेंस के साथ मौजूद है। हाँ, तो ये तो मेरा ख्याल है आईसीसी को इस पे जरूर इंटरवीन करना चाहिए, बात करना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार। ये है इल्जाम आप पे, क्योंकि आप जीत रहे हो जी और आप फाइनल पहुंच रहे हो, हार्ड वर्क करके पहुंच रहे हो, अब आपको एक्सक्यूज मिल नहीं रहा मुझे, तो आपको गिराया कैसे यार, क्या हो गया आपको यार, हमें शर्म आनी चाहिए आपको यार। मैच रेफरी खड़ा हुआ है, कप्तान देख रहे हैं, टीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो वहां पे स्पॉन्सर पे सिक्का गिराना कोई जरूरी नहीं है, जहां मर्जी गिराओ भाई, आप पीछे भी गिरा सकते हो, आपको पता है ना, स्पॉन्सर से स्पॉन्सर लगा होता है। अजीब बच्चे वाली बातें, कुछ समझ नहीं आ रही, खेलते तुम खुद अच्छा नहीं हो, पूरी दुनिया अच्छा क्रिकेट खेलती नहीं है, और कोई ना कोई उठा के ले आता है कि इंग्लैंड से कोई उठा के ले आया, पिच बदला दी, अरे भाई पिच बदला दी तो 700 रन कैसे हो गए भाई, अच्छा बॉल चेंज हो गया तो शामी का क्या सीम हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा भाई, शामी के लिए वो चिप पता नहीं कौन से लगा देते हो, और बुमराह के लिए पता नहीं यॉर्कर के लिए सिम कौन सी चिप आ जाती है, सब बकवास बातें हैं, बेसिकली हजम नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान इतना अच्छा क्यों खेल रहा है। और आपको हजम करना चाहिए, आपको बड़ा जर्फ दिखाना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, नई बात थोड़ी है, ये अक्सर होता है जब कोई टीम जबरदस्त तरीके से जीतती है, डोमिनेट करती है, और इतना बड़ा मार्जिन से वो जीतती है, और इतना बड़ा बड़े जबरदस्त तरीके से जीतती है, तो जो लोग होते हैं वो हारी हुई मेंटेलिटी वाले जो होते हैं ना वो फिर इश्यूज उठाते हैं, और मेरे ख्याल में हम हारे हुए हैं जी, हम हारे हुए हैं, हमें हार को डिसेंटली एक्सेप्ट करना चाहिए, हम बुरी क्रिकेट खेले हैं, बुरी क्रिकेट खेलकर हारे हैं। टीम इंडिया इस वक्त हाईली हाईली डोमिनेंट क्रिकेट खेल रही है, देयर इज नो कंपैरिजन, कोई मुकाबला ही नहीं बन पा रहा। और ये क्या सिर्फ सेमीफाइनल में ऐसा हुआ है भाई, वो पूरा वर्ल्ड कप इसी तरह से खेले हैं। आप जो करना है कर लो, आप जो मर्जी इल्जाम लगा लो, आप कहो पाटा पीछे हैं, फाटा पीछे हैं, टाटा पीछे हैं, तराना नहीं लगाने दिया, दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया, हमें खाने को फला नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सारी चीजें मीनिंगलेस हैं भाई, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो। भारत ने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। सही पकड़े हैं।